अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज क्लास 8 की टीचर जी। स्टूडेंट, हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। उसमें हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 56, स्टॉक एक्सचेंज। जी, क्या है स्टॉक एक्सचेंज? रनिंग अ लार्ज बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग इज वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजुअली many people invest money in it in the form of shares. जी, बड़ा जो बहुत बड़ा बिजनेस चलाते हैं, जो मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं और देते हैं, वो अपने पैसे को या अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ फॉर्म्स में, शेयर की सूरत में। दे होप ऑफ कोर्स दैट द बिजनेस विल बी सक्सेसफुल एंड विल मेक अ प्रॉफिट। उनको उम्मीद होती है जहाँ वो शेयर लगा रहे हैं वहाँ वो कामयाब होंगे और उन्हें प्रॉफिट हासिल होगा। दीज प्रॉफिट आफ्टर ऑल अदर एक्सपेंसेस आर पेड आर डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर्स। इफ द फर्म इज डूइंग वेल दे मे गेट गुड डिविडेंड देयर शेयर ऑफ the profit. If the business is bad, they may get little or nothing. जी, क्या कह रहे हैं कि जो उन्हें जो कंपनी जिसमें वो लगाते हैं वो अपने सारे एक्सपेंसेस, अपने तमाम अखराजात और जहाँ जहाँ पे करना होता है उस सारे के बाद वो अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं, जो कि कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर कंपनी बहुत अच्छी उसको प्रॉफिट होता है तो जो उसके शेयर होल्डर्स हैं उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज नुकसान भी हो सकता है इसमें। दीज शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। ये तमाम खरीदोबरों शेयर्स की स्टॉक एक्सचेंज में की जाती है। हेयर हंड्रेड ऑफ हाईली स्किल्ड वर्कर्स at computer screens or telephones connected to many of the world's capitals. यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में highly skilled लोग बैठे हुए होते हैं, उनके सामने computers होते हैं, टेलीफोन से connected होते हैं और वो दुनिया के मुख्तलिफ cities के साथ connect होते हैं। They buy and sell shares on behalf of their client. The prices of shares are changing. Shares की जो prices हैं वो बदल सकती हैं, change हो सकती हैं time to time. Even minutes by minutes, यहाँ तक कि मिनटों में ये shares जो हैं वो उनकी prices change हो रही हैं. According to how a particular company is doing and according to political issues and many other factors. मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं इसमें, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि उस कंपनी को नफा या नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इफ अ कंपनी हैज एक्वायर्ड फॉर प्रॉफिट देन द शेयर प्राइसेस फॉल्स। अगर उस कंपनी को उस साल प्रॉफिट होता है तो फिर शेयर होल्डर्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, और अगर कंपनी नुकसान में हो तो फिर ये नुकसान शेयर होल्डर्स को भी उठाना पड़ता है, ठीक है। The object of the investor is to buy shares when the prices is low and sell when it is high. अमूमन लोग जब prices low होती है उस वक्त खरीद लेते हैं shares, और फिर जब उन्हें अंदाज़ा होता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा profit में चल रही है तो फिर वो अपने profit के साथ अपने shares को फरोख्त करते हैं। The people in the stock exchange make their money by changing their clients a small percentage of the money they handle for them. Millions of the rupees can be made or lost. जो लोग शेयर्स की खरीदो फरोख में इंटरेस्टेड होते हैं, जो ये काम करते हैं, उन्हें कभी कभी बहुत ज़्यादा फायदा भी हो सकता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। In a few minutes, यानी चंद मिनटों में
Other important occupations supporting industry, trade and commerce are banking and service industries. इनकी डिटेल बैंकिंग की हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आज हम अपना टॉपिक यहीं पे रोकते हैं. इससे रिलेटेड थोड़ा सा वर्क है इस चैप्टर से, ये देख लीजिए जी. ये आपके थर्ड चैप्टर की वर्ड मीनिंग है, ट्रेड एंड कॉमर्स की. ज्यादा नहीं है वर्ड मीनिंग, आपकी सिर्फ तीन ही है. और ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है. क्वेश्चन आंसर आपको बाद में दिए जाएंगे. जी वर्ड मीनिंग देख लीजिए. स्टॉक, सप्लाई ऑफ गुड्स, डिविडेंड, बेनिफिट्स, हेरिटेज, वैल्यूड थिंग. फिल इन द ब्लैंक्स देखिएगा. नंबर वन है बोथ द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स नीड अ ब्रैकेट है आपकी ब्लैंक है ग्रेट डील ऑफ वर्क बिहाइंड द एक्चुअल मेकिंग एंड सेल. नंबर टू है शेयर्स कैन बी बॉट और सोल्ड ऑन द डैश, यानी आपका डैश में आएगा स्टॉक एक्सचेंज. नंबर थ्री बैंक्स आर यूज डैश बिजनेस, आपका ब्लैंक है इंटरनेशनल. नंबर फोर कम्युनिकेशन इज द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन, डैश में आएगा आपका ट्रांसफर. नंबर फाइव रेडियो एंड टेलीविजन आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ डैश, डैश में आपका आएगा कम्युनिकेशन. ये आपकी फाइव ब्लैंक्स है.